छतरपुर शहर के लोधी कुइया इलाके में स्थित श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर की स्थापना हुए एक वर्ष पूर्ण हो गया है। इसी उपलक्ष्य में मंदिर समिति तथा भक्तगणों के द्वारा वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को विशाल कलश यात्रा के साथ इस 6 दिवसीय वार्षिकोत्सव का शुभारंभ किया गया। गांव के देवी मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल पहुंची। आयोजन समिति की ओर से पंडित श्रीकांत अवस्थी ने बताया कि प्रथम दिवस कलश यात्रा के साथ ही ध्वजा पूजन और पीठ पूजन का कार्यक्रम हुआ। बुधवार से शुक्रवार तक मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और अभिषेक का कार्यक्रम होगा। 8 जुलाई शनिवार को महाश्रृंगार, महाआरती, छप्पन भोग और पूर्णाहुति होगी तथा रविवार 9 जुलाई को विशाल भंडारे के साथ इस आयोजन का समापन होगा। आयोजन समिति ने शहरवासियों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। प्रारंभ हो गई, इस गांव के देवी तक गई और अब सोमेश्वर महादेव पर आएगी। प्रातःकालीन की वेला में गणेश गौरी जी का पूजन हुआ और रुद्राभिषेक हुआ, तत्पश्चात पूजा पूजन होगा और वेदियों का पूजन आवाहन होगा। यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म, यह रुद्र महायज्ञ है। यह यज्ञ बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को दर्शन करने का और करने का सुअवसर प्राप्त होता है और यह सोमेश्वर महादेव की बड़ी अति महती कृपा है कि इस सोमेश्वर महादेव के सानिध्य में श्री रुद्र महायज्ञ चल रहा है और भरतदास जी महाराज के द्वारा यह कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है। जय श्री राधे।